वेलकम बैक टू सभी गेम चैनल। मैं हूँ आपको ऐसा ही और आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगे। आज हम दोबारा से कह रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉग। हाँ जी गाइस, तो गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा और बहुत कुछ बनाया था इसमें, पर मैंने एक और वीडियो बना ली थी जिसमें मुझे बहुत सारा सामान भी मिला था, पर वो किसी कारण अपलोड ना हो पाई क्योंकि पता नहीं मेरे से डिलीट होगी गलती से और तो ही डाउनलोड नहीं हो पाई। तो पिछली वीडियो में हमने मतलब जानवरों के लिए एक फार्म बनाया था छोटा सा और ये फार्म बनाया था बीट का, तो बस यही किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो आज की वीडियो में करेंगे हम बहुत ही कुछ, इसको देखते हैं। और इस वीडियो में हम आयरन का आर्मर बना लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो चलिए, अभी तक हमारे पास इतना वो नहीं हुआ है कि हम बना सकें, तो जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। तो गाइस अभी जल्दी जल्दी तोड़ते हैं वन ब्लॉक, और ये हमारे पास इतना काफ़ी हो चुका है। जल्दी से हम अपने लिए ये बना लेते हैं यार पिकैक्स, क्योंकि पिकैक्स इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। ये तो गाइस अभी तक तो एक ही बनेगी, पहले इससे एक और तोड़ लेते हैं। बस अब बन जाएगी दो हमारे पास। अब इसको रखा यहाँ पर, इसको रखो यहाँ पर, इसको रखो यहाँ पर, इसको रखो यहाँ पर, यहाँ पर एक और। तो गाइस जल्दी तोड़ते हैं माइनिंग करते हैं। ये टूट चुकी है, मुझे पता है टूटनी थी, तो जल्दी तोड़ते हैं। तो इसके लिए गाइस हमें गोल्ड के लिए हमें गोल्ड वाली पिकैक्स के साथ में, ताकि हमें सोर्ड भी ले लेते हैं और इस आयरन को यहाँ पर रखते हैं क्योंकि हमें बनाना है आयरन का आर्मर, तो इसके लिए हमें बहुत सारा आयरन लगेगा। तो ओ आयरन की हमें बहुत ज़रूरत है, और ये मैंने तो ही ली थी। ये गाइस मुझे मार नहीं रही। तो गाइस जल्दी से ब्लॉक को तोड़ते हैं। तो गाइज अभी सिलेक्टर आ चुका है हमारे वर्ल्ड में और इसे मारो। यस, तो गाइज हमने सिलेक्टर को मार दिया है, इसलिए मैंने ये रखा था सामान अपने पास मारने के लिए लोगों को। तो गाइज हमारे पास आयरन हो चुका है 31, तो जल्दी से फर्नेस बना लेते हैं क्योंकि हमें अभी आयरन की आयरन बनाना है आयरन का, तो इसे रखते हैं ऊपर और जल्दी से बना लेते हैं फर्नेस अपने लिए। जल्दी जल्दी से बनाओ। तो गाइस ये हमारा फर्नेस, तो एक फर्नेस जल्दी से बना लेते हैं और इसे हम रखेंगे दूर, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर डाल देंगे आयरन। यहाँ पर हमारा चला जाएगा कोल और इसमें चला जाएगा, और अभी ये स्मेल्ट होता है तब तक गाइस हम तोड़ेंगे और ब्लॉक वन ब्लॉक को तोड़ते जल्दी से। तो गाइस हमारे लिए आ चुके हैं टू सुपर चेस्ट, देखते हैं इससे मैं हमें क्या खजाना निकलेगा। तो गाइस हमारे को एक और डायमंड मिल चुका है इसमें और थोड़ा सा खाना मिल गया है, तो जल्दी से और साल में मिल गया है, बहुत कुछ इसमें मिल गया है काम की चीज़। और डायमंड हमारे कहाँ गए, तो इसको तो रखते हैं यहाँ पर उन सबको। और एक और आयरन मिल गया हमें, इसको भी रखो यहाँ पर, इसको भी रखो, इसको भी रखो। गाइस हमारे पास आज डायमंड थे, ओह कहाँ पर रखे थे मैंने, अगर यहाँ पर कोई आ जाता ना तो ब्लास्ट हो जाते। और मेरे तीन डायमंड हो चुके हैं गाइस मेरे पास, इनको रखेंगे हम खूब किया यहाँ पर। तो ये है मेरी डायमंड की चेस्ट, तो अभी जल्दी से जल्दी तोड़ते हैं वन ब्लॉक को दोबारा से। ओह तो गाइस स्पाइडर आ चुके हैं, इसे मारो मारो मारो, मार दिया हमने। तो जल्दी तोड़ते हैं वन ब्लॉक। तो गाइस हमें डायमंड मिल चुका है और ये साइज स्टोन की पिक ऐसे टूट जाता है कि नहीं क्या पता, डर लग रहा है। तो ये गाइस टूटेगा आयरन की पिक ऐसे, जो जल्दी से आयरन हमारा आधा स्मेल्ट हो चुका है, हमें थोड़ा सा चाहिए तो ले लेते हैं। और एक हम अपने लिए पिकैक्स बना लेते हैं आयरन की, क्योंकि ये अभी हमें रिस्क नहीं लेना है क्योंकि हमें चाहिए ये।
आप देख रहे हो जो कि डायमंड हमारी, डायमंड के लिए हमें अपने थोड़ा सा आयरन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक ही चाहिए हमें बस। तो और सब आयरन को रख देते हैं दोबारा से यहीं पर, यहाँ पर तो रख ही नहीं सकते यार, ओह मैंने आयरन को फेंक दिया। तो आयरन को रखते हैं हम यहाँ पर और अपना अगला डायमंड लेके आते हैं आयरन की पिकैक से, तोड़ उसको। तो गाइस डायमंड तो आ गया है पर साथ में हमारे लिए आफत आ चुकी है, पर ये हमें मर जाए, मार दिया मैं। और अपने डायमंड को उठाते हैं जल्दी से और रखते हैं अपने सीक्रेट चेस्ट में। हमारे पास 4 डायमंड हो चुके हैं गाइस। तो गाइस हमें एक और डायमंड मिल चुका है माइनिंग से, तो इसे भी यहाँ पर रखते हैं। हमारे पास 5 डायमंड हो चुके हैं और थोड़ा सा आयरन मिला था, आयरन को रखते हैं यहाँ पर स्मेल्ट होने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम मर चुके हैं दोबारा से, स्लाइम आया था हमारे बाल्ड में, तो हमें एक और डायमंड मिलता हुआ यहाँ पर और इसको रखते हैं हम यहाँ पर संभाल के। और थोड़ा सा ये मिला आयरन, आयरन को करते हैं आप सेमेल्ट और चलते बड़े की ओर होते हैं। तो गाइज अभी हमारे पास इनफ आयरन आ चुका है, तो हम आयरन का आर्मर अपने लिए बना सकते हैं। तो जल्दी से जो आयरन होता है उसे भी ले लेते हैं और जल्दी से अपने लिए आयरन के आर्मर और आयरन के टूल बनाते हैं। तो इसे जल्दी से गन को अपने डालते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे पेपर, यहाँ पे कोयला, यहाँ पे तो यहाँ पे, यहाँ पे कोयला, यहाँ पे ये, यहाँ पे और स्पेस नहीं बचा, और यहाँ पर डाल दो सामान क्योंकि अब हम बनाएंगे सब कुछ आयरन का। जल्दी से डालते हैं, वो आयरन को पकड़ लिया। तो उसी वुड चाहिए हमें, तो वुड लेते हैं यहाँ से। तो अभी बनाते हैं हम आयरन का आर्मर। तो ये हेलमेट बनाया, ये चेस्ट प्लेट, ये लेगिंग्स और ये बूट, और हम बनाएंगे अपने लिए शॉर्ट वगैरह भी सब कुछ। तो अभी एक शील्ड भी बनाएंगे। तो जल्दी से पहले चलते हैं क्राफ्टिंग में, क्राफ्टिंग में यहाँ से जाएंगे और इसके बनाएंगे थोड़े से स्लैब्स, स्लैब से एक शील्ड बनाएंगे, थोड़े से टूल के लिए एक हम सॉर्ड, एक ये, एक एक्स और एक और पिकैक्स। तो गाइस इस वीडियो में हम बन चुके हैं पूरे आयरन के आर्मर में लग चुके हैं, आप देख सकते हो। ये मेरी स्किन न्यू, जो ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे और ये गया यहाँ पे। ओ भाई अब बन चुके हैं हम वॉरियर, मतलब योद्धा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।